हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी भक्ति रस में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कहानी लेके आया हूँ। आज की कहानी भी बड़ी प्यारी है। कहानी ऐसी है कि एक बार एक आदमी होता है जिसे नौकरी की तलाश होती है। नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता है, अंत में एक सरकार के दफ्तर में जाकर पहुंच जाता है। वहां उसने पता किया तो जब लोगों ने पूछा कि आपने क्या किया है, क्या क्वालिफिकेशन है, तब उसने कहा, मैंने 2-3 पुस्तकें अंग्रेजी की पढ़ी है और थोड़ी बहुत हिंदी जानता हूँ। दफ्तर के अफसर ने कहा, हमारे यहाँ एक चपड़ासी की नौकरी खाली है, तनख्वाह मिलेगी 120 रुपया महीना। अगर तुम चाहो तो वो नौकरी कर सकते हो। पुराने समय की बात है, 120 रुपए चपड़ासी को मिलते होंगे। उस व्यक्ति ने मैनेजर से कहा, हुजूर, मेरे पिता तहसीलदार थे, बाबा कलेक्टर थे, परदादा कप्तान थे, मैं इतने ऊंचे घराने का आदमी, इतने ऊंचे खानदान का आदमी, वे लोग बड़ी बड़ी तनख्वाह पाते थे और राज दरबार में उनका आदर होता था, फिर मुझे इतनी छोटी सी हैसियत की और कम तनख्वाह की जगह क्यों मिलनी चाहिए, क्या आप बताएंगे? तब अफसर ने कहा, आपके उस खानदान का मैं आदर करता हूँ और आपके उन प्रशंसनीय पूर्वजों को और जितने भी श्रेष्ठ पुरुष थे उनकी मैं कदर करता हूँ, लेकिन मुझे खेद है कि ऐसे नर रत्नों के घर में आप जैसे अयोग्य पुरुष पैदा हो गए जिन्हें चपरासी से ऊंची जगह नहीं मिल सकती है। नौकरी आपको करनी है, इसलिए आपको आपकी योग्यता के अनुसार ही वेतन मिलेगा। खानदान या पूर्व पुरुषों का बड़पन इसमें कुछ काम नहीं करता है। अब देखिए, हम सभी कहते हैं कि हम ऋषियों की संतान हैं, अपने को जगत गुरु होने तक का दावा करते हैं और तरह तरह के प्राचीन गाथाओं के आधार पर अपने को बड़ा साबित करने की आशा रखते हैं कि हमें वही स्थान मिले जो हमारे पूर्वजों को प्राप्त था। लेकिन हम भूल जाते हैं, जितनी योग्यता कर्मनिष्ठा पूर्वजों में थी, क्या उसका थोड़ा सा भी अंश हमारे अंदर है? यदि नहीं है तो हम अपना अपमान और अधोगति के ही योग्य हैं जो कि आज प्राप्त है। हमें पूर्वजों का गौरव उस समय तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि हमें वैसा ही पराक्रम करने का साहस अपने अंदर उत्पन्न न कर लें। तो सीधी सी बात है, हमें कुछ सीखना चाहिए, हमें कुछ स्किल होना पड़ेगा, तभी हमें उसी के अनुसार रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। तो ये बड़ी प्यारी कहानी मुझे पढ़ने को मिली कल्याण पुस्तक में, मैं आपके लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हरे कृष्णा।